हाय एवरीवन दिस इज एंजली और आज हम करेंगे कि किस तरह से आप अपने वेब पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं सो so, जी हाँ हाउ डू वी कनेक्ट पीएचपी डॉक्यूमेंट विथ डेटाबेस क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो यूजर से डेटा ले रहे हो लेकिन वो डेटा कहीं पे स्टोर ही नहीं हो रहा या यूजर को जो डेटा देखना है वो कहीं से फेच होके नहीं आ रहा तो वो जो साइट है वो उतनी डायनामिक नहीं होती है है ना अगर मैं इवन एक यूजर से थोड़ा सा फीडबैक भी लेती हूँ तो दैट फीडबैक नीड्स टू तो बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस सो अगर आप यूजर को लॉग वगैरह कराते हो तो उसका यूजर आई पासवर्ड नीड्स टू तो बी स्टोर्ड स्टोर डेटा बेस तो ऐसी साइट आपको बहुत रेयर कोई यूजफुल लगेगी जिसमें आपका कोई डेटाबेस ना हो Sites, जिसमें आपका डेटाबेस नहीं होता बट उसमें भी आप फीडबैक और यू नो फॉर्म्स आपके पास होते हैं सो so बेसिकली जब हम एच में फॉर्म्स बनाते हैं फॉर्म्स का पर्पस ही क्या होता है जिसमें आप डेटा इनपुट करोगे जो क्लाइंट है वो डेटा इनपुट करेगा अब वो चाहे आपका फॉर्म हो चाहे वो आपका साइन अप फॉर्म हो चाहे वो आपका फीडबैक फॉर्म हो या इवन अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो कोई भी फॉर्म है सो एनी टाइप ऑफ फॉर्म यू और इनडायरेक्टली रिलेटेड विदेटा बेस इवन ऑनलाइन गेम्स आप अपनी स्टेज सेव कर सकते हो की परफॉर्मेंस क्या थी वो सेव कर सकते हो अपना रैंक स्टोर कर सकते हो ये जो आप फेसबुक यूज करते हो एंड व्हाट्सएप यूज करते हो जस्ट आईडी से आप लॉग इन करते हो आपको उसी का ही सारा डेटा दिखाई देता है So, कोई भी साइट हो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट साइट मैं अमेजोन पे अपनी पूरी ऑर्डर हिस्ट्री देख सकती हूँ साल पुरानी भी है ना क्योंकि वो डेटा बेस में स्टोर्ड है आपके पास जितनी एप्स हैं बिलिंक किट हो गई आपके पास स्विगी uh, हो गया जोमेटो हो गया so, ये सब में आपके पास क्या ऑप्शन है यू कैन एक्सप्लोर द थिंग्स जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है फिर so, उसके बाद वो सब डेटाबेस में स्टोर होता है लेटर ऑन आप अपनी ट्रांजेक्शन को ट्रैक भी कर सकते हो सो so, कोई भी सॉफ्टवेयर हो बिना डेटा के सॉफ्टवेयर इनकम्प्लीट है चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो सो so, कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं डेटा फेच करने की जरूरत पड़ती है राइट सो डेटा के बारे में आप डीबीएमएस सब्जेक्ट में काफी पढ़ चुके हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देर इज अ प्ले ऑन द चैनल जिसपे डीबीएमएस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है माई एसक्यूएल क्या होता है और एसक्यू लैंग्वेज आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है सो so, ये टॉपिक करने से पहले आपको एसक्यूएल अच्छे से आना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक एसक्यूएल नहीं आएगा उसको पीएचपी में यूज कैसे करोगे तो एसक्यूएल भी अच्छे से आता होगा तभी हम उसको पीएचपी में एम्बेड कर पाएंगे तभी हम उसको पीएचपी में यूज कर पाएंगे ठीक है तो वो यूज ही तब होगा जब वो को आता होगा राइट right? सो so, मैं यहाँ पर रिज्यूम करके चल रही हूँ कि आपको एसक्यूएल आती है को तो पता है माई एसक्यूएल क्या है सो इट इज सम इंटरफेस लाइक दिस ये आप देख रहे हो सो so, ये आपका माई एसक्यूएल का इंटरफेस है जहां पर अगर हम लिखते हैं शो डेटा तो ये हमें दिखा देता है कि हमारे पास कितने डेटा अभी हैं और उनके नाम कौन कौन से हैं। तो 11 डेटा हैं मेरे कंप्यूटर में और ये सब उन डेटा के नाम है ठीक है तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर मेरे को पीएचपी कोड से इस डेटा के साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे देखो बहुत सिंपल सी लाइन है फिक्स कोड होता है कोई ऐसा है नहीं कि आपको बहुत सारे कोड्स यहाँ पे याद रखने हैं सो पी एचपी का बेस्ट चीज ये होता है कि वेरी सिंपल एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड इज रिक्वायर्ड विच हेल्प यू टू योर टास्क ठीक है तो अब यहाँ पे जो ये कोड आप देख रहे हो साइज में बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे तो हमारे पास इसमें दो चीजें हैं कनेक्शन बनाने के लिए एक होता है माई एस क्यूएल और एक होता है माई एस क्यू एल आई ठीक है हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे माई एसक्यूएल में फर्क क्या है माई एसक्यूएल जो है वो मेरा प्रोसीजरल वे है ऑफ चेंजिंग योर और ऑफ मेकिंग द कनेक्शंस और माई एसक्यूएल आई जो है उसकी जो कोडिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से होती है सो so, उसकी कोडिंग होगी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से तो हम किससे करेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी वही है सो वी हैव

बैठे हैं सर्वर पे जब हम पीएचपी का कोड कर रहे हैं ठीक है थीके? हम कहा बैठे हैं सर्वर पे पेज कहां पे है क्लाइंट पे क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास अब सर्वर पे भी एक तो आपका वेब सर्वर है जो कि आपके पीएचपी पेज को प्रोसेस कर रहा है दूसरा आपका डेटाबेस सर्वर होगा जिसके पास डेटा स्टोर होगा ठीक है तो हो एक हो गया आपका वेब सर्वर जो कि हमारा अपाचे है यहाँ पर फाइन और फिर आपका डेटाबेस सर्वर हो गया है. तो भी उसी पे है और सर्वर तो कौन हो गया लोकल होस्ट द सेम मशीन अगर हमारा कहीं और होता तो हमें पोर्ट वगैरह देना पड़ता है यहाँ पर. पर हम यहाँ पर सर्वर नेम क्या ले रहे हैं लोकल होस्ट सो लोकल होस्ट इज द वैल्यू ये तो वेरिएबल का नाम है आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो सर्वर नेम लिखो या कुछ और लिखो टू यू totally मीनिंग यही है इसका सर्वर नेम तो मैंने इसका नाम ले लिया लोकल होस्ट यूजर होता है तो यूजर नेम तो रूट ही आएगा. अगर आपने कुछ और सेट किया होगा तो आपको वो देना है लोकल होस्ट so, आप जब भी प्रैक्टिस करोगे अपने सिस्टम पे पासवर्ड जो है वो आपने जो अपने कंप्यूटर पे माई एस क्यूएल का सेट किया हुआ है आप वो लिखोगे मैंने रूट सेट किया हुआ है तो मैं रूट लिख रही हूँ अब आती है बारी कनेक्शन बनेगा कैसे कनेक्शन बनाने के लिए हम कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो है न्यू सो so, आप क्या लिखोगे न्यू माई एस क्यू एल आई सब स्मॉल लेटर्स में पी एचपी के है. ये जो कनेक्शन वेरिएबल का नाम है ये आप कुछ भी दे सकते हो मैंने दिया है डॉलर सी ओ एन एन सो डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू माई एस क्यू एल आई यहाँ पर मैंने सर्वर का नाम दिया लोकल होस्ट मैं चाहती तो यहाँ पे सीधा डबल कोर्स में लोकल होस्ट लिख सकती हूँ सीधा यहाँ पे डबल कोर्स में रूट लिख सकती हूँ और यहाँ पे भी डायरेक्टली रूट लिख सकती हूँ बट तो ऐसे थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगता है पर तो लिखने को आप डायरेक्ट यहाँ लोकल लिख लिख देते यहां root, यहां root लिख देते हैं रूट रूट हैं तो भी वो काम करता सो so, यहाँ पर हमने कनेक्शन क्रिएट करने की कोशिश की कनेक्शन क्रिएट होगा उसका रेफरेंस आ जाएगा कनेक्शन नाम के वेरिएबल में अब हम देखेंगे कि क्या कोई एरर तो नहीं आया कनेक्शन एस्टेब्लिश करते टाइम सो कनेक्शन एस्टेब्लिश करते टाइम कोई एरर नहीं आया उसके लिए हम कॉल करेंगे कनेक्शन एरो कनेक्ट अंडर स्कोर एरर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में देखा है कि जब पॉइंटर होता है जब रेफरेंस वेरिएबल होता है तो एरो रेफर करते हैं ये वही चीज है कि कनेक्शन जो है वो आपका एक पॉइंटर है जो कि कनेक्शन को रेफर कर रहा है तो हम लगाएंगे एरो दैट इज हाइफन एंड ग्रेटर देन इफ डॉलर कनेक्शन एरो कनेक्ट अंडरस्कोर एरर अगर ये ट्रू देता है कि हाँ भाई कनेक्शन के टाइम पे कोई एरर आया है सो अगर कनेक्शन के टाइम पे कोई एरर आया है तो, तो सिर्फ मैसेज शो कर दो कि कनेक्शन फेल्ड और उस एरर का कोड प्रिंट हो जाएगा

जैप सर्वर में आपका अपाचे इंजन ऑन होना चाहिए ठीक है सो बिफोर यू एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम सो आपका अपाचे ऑन होना चाहिए माई एस क्यूएल मैंने अलग से स्टार्ट किया हुआ है तो माई एस क्यूएल मेरा ऑन होना चाहिए एंड तीसरी चीज आप ये जो फाइल बना रहे हो ये आपको कहाँ पे सेव करनी है फटाफट से मुझे कमेंट्स में लिख के दिखाओ मैंने आपको बताया हुआ है कि पी एचपी की फाइल्स कहाँ पे सेव होती है ताकि वो लोकल हाउस में ओपन हो सके सो so फटाफट से लिख के बताओ कमेंट्स में कि ये फाइल कहाँ पर सेव होगी ठीक है अब जहां पर भी, भी सेव होगी वो तो आप लिख ही दोगे अब हम क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे इसको ओपन करने के लिए आप जाएंगे ब्राउजर में ठीक है और ब्राउजर में जाकर आपको इसे ओपन करके देखना है सो so जब हम इसे ओपन करके देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सिर्फ कनेक्टेड सक्सेसफुली सो हम गेटिंग इट कनेक्टेड सक्सेसफुली आपको बहुत छोटा दिख रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली कोई बात नहीं आप इसको बड़ा कर दो आप यहाँ पर हेडिंग टैग दे दो मैंने एच लगा दिया क्योंकि पी है कोई भी एच टैग हम दे सकते हैं वो उसको प्रोसेस कर देगा आपने इसको सेव किया इसको जाके रिफ्रेश किया सो इट शोज कनेक्टेड सक्सेसफुली ठीक है सो हम इस तरह से कनेक्शन इस्ट कर सकते हैं सो दिस इज हाउ अ कनेक्शन कैन बी इस्टिश अब अगर आप पहली बार बना रहे हो और आप डेटाबेस भी चाहते हो कि आपके पीएचपी कोड से ही बने आपका डेटाबेस भी पीएचपी कोड से ही बने तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना है कमांड लिखनी है क्रिएट डेटाबेस्ड

सो so, हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉलर सी ओ एन एन एरो क्वेरी क्वेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वंस यू हैव अ कनेक्शन कनेक्शन आपका connection बन गया आप किसी भी को जी हाँ चाहे वो डी डी एल हो चाहे वो डीएमएल हो चाहे वो आपकी क्रिएट टेबल हो ऑल्टर टेबल हो सिलेक्ट हो इंसर्ट हो अपडेट हो डिलीट हो कोई सी भी कमांड है आप उसे इस फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करा सकते हैं आपको सिर्फ कनेक्शन का नाम लिखना है एरो क्वेरी लिखना है और ब्रैकेट में अपनी एसक्यूएल क्वेरी पास कर देनी है और वो क्वेरी जाकर आपके डेटाबेस पे एग्जीक्यूट हो जाएगी सो so, जो भी क्वेरी आप लिखोगे वो जाएगा और डेटाबेस पे जाकर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा तो अभी हमारी क्वेरी क्या है क्रिएट डेटाबेस कॉलेज तो ये जाकर इसको एग्जीक्यूट कर देगा अगर तो ट्रू रिटर्न हुआ मतलब डेटाबेस क्रिएट हो गया है हमने प्रिंट कर दिया डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड आई वांट टू प्रिंट इट एज एस हेडिंग तो मैंने यहाँ पर एच थ्री दे दिया लेकिन इन केस आपका जो प्रॉब्लम होगी डेटाबेस क्रिएट नहीं हो पाया तो वो प्रिंट कर देगा एरर क्रिएटिंग डेटाबेस आप इसमें भी कोडिंग कर सकते हो कि भाई अगर एरर आ रहा है तो वो रेड कलर में आ जाए कुछ और फॉन्ट हो जाए एनीथिंग लाइक दैट सो दैट इज अप टू यू तो जब आप कोडिंग करोगे अपने स्टाइल्स डिफाइन करोगे तो सी एस एस में भी बता सकते हो ठीक है सो दिस इज बेसिकली हाउ वी एग्जीक्यूट अ क्वेरी तो हमने यहां पर देखा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होगा कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद किस तरह से हम किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो आप कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया डेटा सक्सेसफुली आ गया मैंने आपको ये दिखाया था आप देख सकते हो यहाँ भी कॉलेज नजर आ रहा है नहीं है ना कंपनी है इंफॉर्मेशन माई डी बी माई डी बी देर इज नो डेटा बेस नेम्ड कॉलेज अब मैं यहाँ पर फिर से कमांड लिखती हूँ शो डेटा बेस एन एपोटे सेमिकॉलर अब ग्यारह के बारह हो गए हो गया ना बारह और अब कॉलेज देखो दिख रहा है कहीं पे ये रहा सबसे ऊपर सो योर कॉलेज डेटा बेस इज क्रिएटेड सो आपका डेटाबेस हो गया ठीक है बाकी अगर डेटा बेस पहले से हो आपका ठीक है पहले से डेटाबेस हो तो आपको क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं होती तो यही जो फंक्शन आप एसक्यू एल आए कॉल कर रहे हो इसी में ही कॉमा देकर आप डेटाबेस का नाम लिख सकते हो सो so, अगली बार जब हम करेंगे हमें कॉलेज डेटाबेस पे काम करना है तो हम पहले से ही डेटाबेस नेम इसी कमांड में दे सकते हैं तो so, अगर मुझे डेटाबेस पहले I में तीन पास करने की चार पास आप उसको बताओगे लोकल होस्ट यूजर नेम है रूट रूपी पासवर्ड है और फिर जो डेटाबेस का नाम है सो वी विल पास फोर थिंग्स जिन लोगों ने ट्वेल्थ में पाइथन करी थी आपने उसमें कनेक्टिविटी किया था वहां पे भी हम यही सेम चार चीजें भेजते हैं लोकल होस्ट, चाहते और डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ क्वेरी में यूज कॉलेज भी कर सकते हो यूज कॉलेज को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका कॉलेज जो डेटाबेस है वो एक्टिव डेटाबेस बन जाएगा एंड देन यू कैन वर्क इन इट तो आगे की कमांड्स आप अपने उस डेटाबेस के ऊपर फॉर्म कर सकते हो मैं आपको भी सारी कमांड्स एक एक करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं सो so, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट करा पाएंगे टेबल में और एक टेबल बना पाएंगे तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे थ्रू पी एच पी ओनली एंड देन वी विल बी इंसर्टिंग अ रिकॉर्ड इन दैट इन दी अपकमिंग विडियोज आई होप इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करना है डेटाबेस चाहे तो हम यहां से भी बना सकते हैं वहां से भी बना सकते हैं टोटली आपके बस अगर पहले से बना हुआ है तो डेटाबेस का नाम यहीं पे देंगे नहीं तो हम क्रिएट करके यूज कर सकते हैं उसको ठीक है तो क्रिएट आपको अलग कमांड देनी पड़ेगी फिर यूज दोबारा से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ताकि वो एक्टिव डेटाबेस बन जाए लेकिन अगर हम डेटाबेस का नाम यहाँ दे देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाता है अब हम डायरेक्ट उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं So that is how we connect PHP with databases. So it's going to be very interesting topics. बहुत मजा आएगा आपको इसको कोड करने में और ये बहुत useful है इसके बाद आप actually में अपनी एक proper website बना पाओगे. Okay? So that is it for this video. Stay tuned for further videos on PHP and SQL connectivity.